गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे गाइज। ठीक है, चलिए गाइज, आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का तब तक हम एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जिसके हम कह सकते हैं कि 90% चांसेस या 99% चांसेस आने के रहेंगे, उस टाइप के हम आर्टिकल अपनी सीरीज में लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है गाई, तो आज की जो क्लास है हम एक छोटे से आर्टिकल से करेंगे जो एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है, बट जो बातें हम इस आर्टिकल में सीखेंगे, इस आर्टिकल की जो बातें हैं, आने वाले जो हमारे आर्टिकल रहेंगे 5-5 नंबर के जो आर्टिकल हैं उनमें काम में आएगा। ठीक है गाई, तो आने वाले जो हमारे आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, इसी पर डिपेंड होंगे हमारे आगे। ठीक है, वो इसमें जो हम बेसिक बातें करेंगे, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हम निकल के आएगा हमारा, उसका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए मैं इस आर्टिकल को ले रहा हूँ। बट इसके न्यूमेरिकल, ये जो आपका आर्टिकल है, एग्जाम में आने के चांस कम रहते हैं, बट जो आर्टिकल एग्जाम में आते हैं उनको कवर करने के लिए इसको हमें समझना पड़ेगा, इसकी बिना इसकी अंडरस्टैंडिंग के हम उसको समझ नहीं सकते। ओके, बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए उसको समझना। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा आर्टिकल है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, इसमें आपको समझना होगा बिंदु आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या फिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, तो दोनों ही काम कर सकता है। ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकता है, और अगर इसे किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, और ये किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से पदार्थ के ऊपर उत्पन्न होता है। ठीक है, आपके पास कोई अगर पदार्थ है, मान लो एक वस्तु आपकी ए है, दूसरी वस्तु हमारी बी है, अगर इस वाली वस्तु से इस वाली वस्तु के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से वस्तु बी की तरफ एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना आवेश होता है। तो इस पे क्या होगा, आप ये भली भांति जानते होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर जो आवेश आता है वो कैसा होता है, आपका धनात्मक होता है। अब जितना आवेश इस वस्तु के ऊपर आएगा उतना ही आवेश इस वस्तु के ऊपर आएगा। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, या एक वस्तु के पास से दूसरी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के ऊपर क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, आपका समान होता है, बट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ये बात इसको समझे, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे इसके, ठीक है ना, इस बात को बस बना के चले। ओके गाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा आवेश, कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या फिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग आवेश। और आवेश कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये किसी वस्तु का गुण होता है। ठीक है भाई, अब देखो बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो बिंदु आवेश का मतलब है कि आपका ऐसा आवेश जो केवल एक बिंदु पर स्थित हो, एक बिंदु पर, उसे बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश। अगर आपका आवेश के एक बिंदु पर रखा है, एक बिंदु पर स्थित है, तो उसे कहा जाएगा बिंदु आवेश। बट मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से कोई वस्तु है, इसमें आपका ये आवेश बिखरा हुआ है, ठीक है, पूरी वस्तु पर आवेश वितरित है, तो
इसे हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर आपका आवेश एक ही बिंदु पर स्थित है तो कहेंगे बिंदु आवेश। ठीक है, लेकिन जो अगर आपका आवेश बिखरा हुआ है, ठीक है, पूरी सतह पर बिखरा हुआ है तो उसे हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। हाँ, एक केस में इसको बिंदु आवेश हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास ये कोई बॉल है, उसकी सतह पर आपका आवेश बिखरा हुआ है, अब इसको ले जाके आप 200 मीटर या 500 मीटर दूर ले जाएं और दूसरा बंदा उसे हाथ में पकड़ ले वहां पर ले जाके, और आप यहां से 500 मीटर दूर उसको देखें, तो अगर वो आपको दिखाई दिया तो आपको वो बहुत ही छोटे आकार का दिखाई देगा। आपको लगेगा कि जो आपकी जो पूरी बॉल है वो एक छोटे मतलब बिंदु के आकार की है। ठीक है, तो बिखरा हुआ आवेश जो है, अगर काफी दूरी से आप देख रहे हैं तो वो जो आपका काफी सतह पर, पूरी सतह पर बिखरा हुआ आवेश है, वो भी आपको बिंदु आवेश की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बातें हैं इस तरह से, अगर आप ठीक है। लेकिन हम जो यहां पे बात कर रहे हैं, हमारा एक ऐसा आवेश है जो एक बिंदु पर स्थित होगा, ये भी हमारा बिखरा हुआ आवेश एक बिंदु आवेश बन सकता है, बट दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा आपके बताया मैंने आपको बिंदु आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको थोड़ा सा इसमें यह समझना कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है आपको, कोई ये कोई बिंदु आवेश है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, एक जगह रखा है आपका ऋणात्मक आवेश, क्यों आपका आवेश का प्रतीक होता है। और ये बात आप जानते होंगे कि अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा है तो ये आवेश अपने चारों तरफ, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को लाया जाए तो उसे ये आवेश या तो आकर्षित करेगा या उसे प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने क्षेत्र में ये उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। मैंने इसके मान लो इस तरह से बना दिया कि इतने क्षेत्र में अगर आप किसी वस्तु को मतलब किसी आवेश को लेके आते हो, इस क्षेत्र में अगर किसी आवेश को लेके आते हो, ठीक है, तो ये उस आवेश को या तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। जैसे कि आप जानते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो डिपेंड करेगा आप किस प्रकार का आवेश लेके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो बट ये जो आवेश है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आए तो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या तो ये उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा या फिर उसे प्रतिकर्षित करेगा। वही चुंबक वाली कहानी है, मान लो कि चुंबक है आपकी, ठीक है, और चुंबक के चारों तरफ आपने देखा होगा कि कुछ एक क्षेत्र बना लेती है ये भी। ठीक है, अगर मान लो कोई लोहे की छड़ को अगर आप इसके क्षेत्र में लेके आएंगे तो उससे ये क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक हमेशा लोहे की छड़ को अपने मतलब लोहे की कोई छोटा मतलब टुकड़े हैं लोहे के, उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, बट हमारा जो आवेश है उस वो आकर्षित भी कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक, बस बाकी तो आप जानते ही हैं जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसे हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो काल्पनिक हैं, काल्पनिक रेखाएं वो साइंटिस्ट लोगों ने मानी हैं वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए। ठीक है, तो प्लस में आपने पता ही होगा कि आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा है हमेशा बाहर की तरफ होती है, इस तरह से अनंत तक जाती है, इस तरह से परिभाषित है। सॉरी, ठीक, जबकि माइनस वाले में क्या होता है आपका, अनंत से चल के उसकी तरफ आती है इस तरह से। ये बात आप पढ़ चुके होंगे वैद्युत बल रेखाओं में अच्छे से, ये ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब देखिए समझते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखिए आपके पास कोई आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है, और हमने इसके क्षेत्र में और कोई आवेश मान लिया,
क्यू नॉट ये कैसा आवेश है भाई? ये इसे बोलेंगे हम धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, मतलब ऐसा आवेश जिसका परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है बस, ठीक है, उसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। और ये जो होता है आपका धन परीक्षण आवेश, इसका जो मान है बहुत ही छोटा होता है, हम कह सकते हैं कि ये लगभग शून्य होता है, इसका जो वैल्यू है लगभग शून्य के आसपास होता है, मतलब इतना छोटा आवेश है, इतना छोटा आवेश है कि ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, बस वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, बस ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, बस इसका जो इस्तेमाल है केवल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केवल परीक्षण के लिए इस्तेमाल इसका हम करते हैं, ठीक है। और ये प्लस लेते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, धन परीक्षण आवेश। इसका मान बहुत छोटा है, लगभग जीरो के आसपास होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो आवेश है ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में आप किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आओगे तो ये हमेशा उसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात आप जानते हैं, दो आवेशों के बीच में जो आकर्षित या प्रतिकर्षित वाला जो बल लगता है, बल लगता है आप जानते हैं बात, ठीक है ना, दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो ये जो आपका आवेश है इसके ऊपर जितना बल लगाएगा, मैंने कहा बल एफ लगाएगा, एक मिनट गाइस, ओके गाइस, तो ये जो हमारा आवेश है इस वाले आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा, ठीक है, जो बल लगाएगा एफ, और ये जो आपका धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश के ऊपर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और उस धन परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब एक बात आप जानते हैं, जो आपका बल है ये एक सदिश राशि है और जो आवेश है ये एक अदिश राशि है। आवेश के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, मतलब आवेश को दिशा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इसे उत्तर दिशा में रखें, पूर्व दिशा में रखें, पश्चिम दिशा में रखें, किसी दिशा में रखें, अगर इसका मान 5 कूलाम है तो हमेशा 5 कूलाम ही रहेगा। वट जो आपका बल होता है, बल को दिशा से फर्क पड़ता है। अगर किसी वस्तु पर अलग अलग दिशा से हम बल लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो बल है उस पर दिशा का फर्क पड़ता है, इसलिए एक सदिश राशि है, जबकि आवेश पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी दिशा में आवेश को रखें, आवेश जितना है उतना ही रहेगा, तो इसलिए हमारा ये अदिश राशि है। तो इस प्रकार से क्या होगा, बल हमारा सदिश राशि है, इसलिए ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, ठीक। अब हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी जो दिशा है वही होती है जो बल की दिशा होती है, ठीक है, जो बल की दिशा होती है वही हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब ये फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करूंगा, ये आपका सदिश रूप में लिखा हुआ है, बट हम जो अपने आर्टिकल में जो इस्तेमाल करेंगे वो उसका अदिश रूप लेते हैं, सिंपल ई बराबर एफ अपान क्यू नोट, जिसमें हम केवल परिमाण की बात करते हैं, दिशा के यहाँ पे बात नहीं करते, ठीक है। चलिए तो इन सब बातों की जरूरत है हमें, हमने आपको आवेश बताया, आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश किसे कहते हैं वो समझाया,
वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो समझाया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो समझाया, ठीक है, धन परीक्षण आवेश क्या है वो आपको बताया, ठीक है। इतनी बातें हम आपको बता के अब आराम से अपने आर्टिकल को बनाएंगे। अब हमें आर्टिकल आपको समझाना और आपको आर्टिकल समझना बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटिव जैसे भी हमारे और आर्टिकल आएंगे, 5-5 नंबर के जो आर्टिकल आएंगे उसमें आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए मैंने छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा इन शॉर्ट बताई हैं, या डिटेल में नहीं गया हूँ, इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब अपना आर्टिकल बनाते हैं। अब देखिए कोई बिंदु आवेश लेना है, हमने यहां पे कोई बिंदु आवेश मान लिया, ठीक है, ये हमारा कोई बिंदु आवेश है और ये है प्लस क्यू। क्यों का मतलब यहां पे इसका कोई मान होगा 5 कूलम 10 कूलम, है ना, जो भी मान होगा वो क्यू है और धनात्मक आवेश लिया है मैंने, ठीक है। और ये कोई बिंदु नाम दे दिया, ये कोई बिंदु हमारा ओ है, मतलब जिस बिंदु पर हमारा आवेश है उसे हमने नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब जो हमारा बिंदु आवेश है उसका जो केंद्र है उस केंद्र से एक लाइन गुजार दो, ये हमने कोई लाइन गुजार दी, ठीक है। तो बिंदु आवेश के केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर हमने कोई बिंदु मान लिया, उसे हम नाम दे दिया P, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने बिंदु O पर एक आवेश रखा जो कि बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के केंद्र से हमने एक रेखा गुजारी और उस रेखा पर एक बिंदु लिया P और उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो देखो आपको जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वहां पे हमेशा आप लोग धन परीक्षण आवेश रखें, प्लस क्यू नोट हमेशा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप लोग दिशा डिसाइड कर पाएंगे कि बल की दिशा किधर है, ठीक है ना, आकर्षित करेगा या फिर उसे प्रतिकर्षित करेगा, ये आप वहां पे समझ पाएंगे। और हमने जो बिंदु लिया है पी, वो बिंदु आवेश से मान लिया आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर ये पॉइंट मतलब बिंदु स्थित है इस तरह से, ओके गाइस। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम यही लगाएंगे बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E बराबर F अपॉन क्यू नोट, F अपॉन क्यू नोट। अब देखिए जो हमारा आवेश है ये वाला प्लस है और ये आवेश भी प्लस है, ठीक है। अब दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है, भाई कुलाम ने बताया है अगर आपके दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, ठीक है, और उस वो जो बल है वो हमेशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी की दिशा में कार्य करता है, ठीक है। जो आपके दो बिंदु आवेश हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश उसी की दिशा में आपका जो बल है वो कार्य करता है, मतलब उसकी मतलब आपकी उस रेखा के अनुदिश बल की दिशा होती है हमेशा,
ठीक है। अब ये भी प्लस, ये प्लस, अब ये भाई साहब उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होना है, प्रतिकर्षण। तो ये जो बल लगाएगा उसके ऊपर इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो उस बल की जो दिशा होगी वो इधर होगी आपकी, ठीक है। दोनों बिंदुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है उसी की दिशा में आपका बल है। अभी हो सकता है इस दिशा में हो सकता है इस दिशा में हो, डिपेंड करेगा इस आवेश के ऊपर, मतलब इस वाले आवेश के ऊपर। प्लस लिया है तो बल की दिशा ये होगी, माइनस लिया है तो बल की दिशा इधर होगी, ठीक है। लेकिन होगी इस रेखा के अनुदिश ही, दैट्स इट। अब मैंने आपको समझा ही दिया है कि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। ये जो बिंदु आवेश है, इस वाले धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगा रहा है F है, ठीक है, और जो आपका धन परीक्षण आवेश है वो क्यू नॉट है। इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वैध क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ जो F है इस प्लस क्यू नॉट के कारण, सॉरी प्लस है, और क्यू नॉट क्या है हमारा, ये धन परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट है हमारा धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। चलिए अब देखो इसको हम समीकरण एक मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बल नहीं पता है, वो बल निकालना पड़ेगा। तो बल कौन बताएगा भाई, कूलम का नियम। भाई दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदुओं के आवेश में जो लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसका जो परिमाण है वो कूलम ने बताया है, ठीक है। बस कूलम के नियम अनुसार Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल, इसका मान क्या होता है, F बराबर 1/4 pi epsilon नोट और दोनों आवेश का गुणनफल Q, Q नोट अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग होता है, ठीक है, बटे में। F बराबर 1/4 pi epsilon नोट, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये स्मॉल r है, तो F बराबर क्या होता है आपका 1/4 pi epsilon नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है उसका वर्ग होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये कूलम ने दिया था उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमारा एक आवेश है Q, तो हमने Q1 के प्लेस पे हमने Q रख दिया, और Q2 हमारा क्या है, Q0 है, और इनके बीच की दूरी हमने आर ही मानी है, तो उसका स्क्वायर करना इसके हिसाब से देख लो, ठीक है। और जो हमने अपना बिंदु आवेश लिया है वो हमने क्या माना है कि निर्वात या वायु में रखा है, निर्वात या वायु में रखा है, तो ये क्या आपका एप्साइलन नोट, जो कि क्या होता है, आप जानते हैं कूलम का नियम आप पढ़ चुके हैं, तो वहां आपने अपनी बात पढ़ी है कि ये क्या आपका निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। चलिए अभी जो मान है एफ का वो समीकरण एक में लगाते हैं, समीकरण एक से, तो E बराबर F, F की वैल्यू है 1/4 pi epsilon नोट Q, Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और बटे में आपका Q नोट चली रहा है, ठीक है। F की वैल्यू आपने ये रखी और बटे में क्या है, Q नोट, तो बटे में Q नोट आएगा इस तरह से। अब Q नोट से Q नोट कैंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो E है वो E बराबर आ रहा है 1/4 pi epsilon नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं E बराबर K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये Q क्या है,
ये बो आवेश है, बो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत तीव्रता है ई, जिस आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है वो हमारा क्यू है, ये याद रखें। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट है हमारा, ये जो हमने ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाला है वो किसी बिंदु आवेश के कारण निकाला है, बिंदु आवेश के। तो ये फॉर्मूला हमेशा तभी लगेगा जब आपका क्या हो, बिंदु आवेश हो। अगर आपका आवेश कहीं पे बिखरा हुआ है, सतह पे वितरित है, तो वहां पे हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये बात याद रखें, ये फॉर्मूला हमेशा तभी काम करेगा जब आपका आवेश एक बिंदु आवेश। ओके गाई, बस तो ये छोटा सा आर्टिकल था हमारा जो एग्जाम में दो नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारे जो आगे आर्टिकल आएंगे वो हमारे पांच पांच नंबर के होंगे, हमने इसमें जो बातें करी हैं उसका हम वहां पे इस्तेमाल किया करेंगे। चलिए गाइस, क्लास को यहीं रखते हैं। आई होप आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। जय हिंद, जय भारत।